तो भाई लोग आज हमारा फ्री फायर अपडेट हो गया है और काफी सारे भाई लोगों के मन में एक डाउट है कि हम नॉर्मल फ्री फायर को अपडेट कैसे करें अपडेट आने के बाद, या फिर अगर आप लोग नॉर्मल फ्री फायर को अपडेट आने के बाद डाउनलोड करना चाहते हो तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए है। आज के वीडियो देखने के बाद आप लोग नॉर्मल फ्री फायर को डाउनलोड कर सकते हो। आज जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, अगर आप लोग इस ट्रिक का यूज करते हो तो आप लोग नॉर्मल फ्री फायर को प्ले स्टोर से ही डाउनलोड कर सकते हो। काफी सारे बंदों को पता होगा कि नॉर्मल फ्री फायर को प्ले स्टोर से कैसे डाउनलोड करें, लेकिन जिसे नहीं पता आज का वीडियो उनके लिए है कि नॉर्मल फ्री फायर को डाउनलोड कैसे करें या फिर अपडेट कैसे करें। चलो फिर आपको बताना स्टार्ट करता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना, साथ में चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर अब बिना किसी देरी के अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि मैं आपको नॉर्मल फ्री फायर डाउनलोड करना तो बताऊंगा और साथ में ही मैं अपने फ़ोन में भी नॉर्मल फ्री फायर को डाउनलोड करूंगा, उसके बाद उस नॉर्मल फ्री फायर में गेम प्ले भी करके आपको दिखाऊंगा। चलो फिर आपको बताना स्टार्ट करता हूं कि OB46 अपडेट आने के बाद आप लोग नॉर्मल फ्री फायर को प्ले स्टोर से कैसे डाउनलोड करोगे। तो मैं आपको बता दूं, नॉर्मल फ्री फायर को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर का लोकेशन चेंज करना होगा। जैसे कि मेरा इंडिया है तो मैं आपको बता दूं आपको इसी लोकेशन को चेंज करना होगा, तब जाकर आप लोग नॉर्मल फ्री फायर को डाउनलोड कर सकते हो। आपको इसी लोकेशन को चेंज करके उस कंट्री में सेट करना होगा जिस कंट्री में नॉर्मल फ्री फायर अभी भी चल रहा है, वहाँ पर बैन नहीं हुआ है। तो कैसे आप लोग चेंज करोगे, चलो आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। तो यहीं पर एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं जो कि जानना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, प्ले स्टोर में लोकेशन चेंज करने के लिए आपका पेमेंट मेथड अकाउंट क्रिएट होना चाहिए। अगर आप लोगों का अकाउंट क्रिएट नहीं है तो लोकेशन चेंज नहीं कर सकते। अकाउंट कैसे क्रिएट होगा मैं बता दूं, जब आप लोग फ्री फायर में डायमंड टॉप अप करते हो तब आप लोगों का अकाउंट क्रिएट हो जाता है, या फिर जब आप लोग अपने प्ले स्टोर में रिडीम कोड को रिडीम करते हो तब भी आप लोगों का अकाउंट क्रिएट हो जाता है। जैसे कि जिसमें आपने कुछ अपना एड्रेस फिल किया था तो वही अकाउंट होता है पेमेंट मेथड का। आप लोगों का यही क्रिएट होना चाहिए। तो जब आप लोगों का प्ले स्टोर में पेमेंट मेथड अकाउंट क्रिएट रहेगा तो अब प्ले स्टोर का लोकेशन चेंज करने के लिए सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन करना, उसके बाद ऊपर लोगो पर क्लिक कर लेना, फिर आपको नीचे पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऊपर पेमेंट मेथड का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर लेना। उसके बाद आप लोग सबसे नीचे आ जाना, नीचे आओगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा मोर पेमेंट सेटिंग का, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपका ऑटोमेटिक क्रोम ओपन हो जाएगा, तो आप लोग थोड़ी देर वेट करना। उसके बाद आपके सामने ऐसा ऑप्शन आएगा, आप लोग ऊपर 3 डॉट पर क्लिक कर लेना, नीचे आपको एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना। उसके बाद आपके सामने ऐसा ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पर आपने जो भी एड्रेस फिल किया था पेमेंट मेथड अकाउंट क्रिएट करते टाइम, तो आपको सारे एड्रेस यहाँ पर दिख जाएगा। तो यहीं पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कंट्री रीजन का, तो उसी के नीचे देखोगे तो आपको इंडिया है, आपको यही चेंज करना है। चेंज करने के लिए सामने पेंसिल का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करना। फिर आप नीचे देखोगे तो एक ऑप्शन और आ जाएगा क्रिएट न्यू प्रोफाइल, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा मैसेज आएगा, फिर से आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से एक कंट्री यूज कर लेना है जिस कंट्री में आप लोग प्ले स्टोर का लोकेशन यूज करना चाहते हो। तो आप लोग जिस भी कंट्री में यूज करना चाहते हो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। मैं यूज करना चाहता हूँ सिंगापुर में, तो मैं सिंगापुर यहाँ से यूज करता हूँ। सिंगापुर यूज करने के बाद नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना। उसके बाद आपके सामने ऐसा ऑप्शन आएगा जहां पर आप लोग देख सकते हो कंट्री नेम में, अब यहां पर हमारा सिंगापुर यहां से सिलेक्ट हो गया है। तो अब आपको नीचे अपना नाम और एड्रेस फिल करना है, तो मैं अपना नाम यहां से फिल करता हूं। वैसे तो मैं यहां से SS और नाम लिख देता हूं, कुछ भी आप लोग अपना नाम लिख सकते हो। नीचे आपको एड्रेस लाइन 1 मिलेगा, एड्रेस लाइन 2 मिलेगा, उसके बाद पोस्टल कोड मिलेगा। तो आपको इसमें क्या फिल करना है मैं आपको बता दूं, आप लोग अपने प्ले स्टोर का लोकेशन जिस भी कंट्री में करना चाहते हो वहां का आपको एड्रेस करना है। अब आप लोग एड्रेस कैसे पता करोगे मैं आपको बता दूं, इसके लिए सबसे पहले अपना नेट ऑन कर लेना और अपने फोन का लोकेशन ऑन करना, फिर अपने फोन में अपना मैप ओपन करना। के बाद आप लोग जिस भी कंट्री का लोकेशन जानना चाहते हो, एड्रेस जानना चाहते हो, ऊपर सर्च बार मिलेगा, सर्च कर लेना। मुझे सिंगापुर का जानना है तो मैं सिंगापुर सर्च करता हूँ। सर्च करने के बाद सिंगापुर का लोकेशन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से मैं जूम करके किसी एक लोकेशन पर क्लिक करूंगा, तो यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो कि मैंने एक लोकेशन को यहाँ से यूज कर लिया है। अब यहाँ से क्लिक करने के बाद थोड़ा नीचे आऊंगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि सिंगापुर का मुझे एक लोकेशन मिल गया है, जो कि मैं इसे ही एड्रेस लाइन 1 में और पोस्टल कोड में फिल करूंगा।
करूंगा। तो चलो फिर अब यहाँ से फिल भी करते हैं। तो यहाँ पर फिर से मैं उसी ऑप्शन पर आ गया हूँ जहाँ पर मुझे एड्रेस फिल करना था। तब मुझे एक सिंगापुर का एड्रेस पता है, तो मैं यहाँ पर एड्रेस फिल करता हूँ। जरूरी नहीं है कि आप वही फिल करो जो एड्रेस में है, बस आपको यहाँ पर जो पोस्टल कोड है ना, आपका यही सही होना चाहिए। एड्रेस लाइन 1 या फिर एड्रेस लाइन 2 में आप कुछ भी फिल कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं बस ऐसे ही फिल कर देता हूँ, उसके बाद एड्रेस लाइन 2 में सिंगापुर यहाँ पर डाल देता हूँ। अब यहाँ पर पोस्टल कोड, यहाँ पर बात करें पिन कोड की, तो पिन कोड मैंने नीचे ही बता रखा था, यही आपका पिन कोड है। तो आप लोग मैप से निकाल सकते हो जिस भी कंट्री में आप लोग प्ले स्टोर का लोकेशन सेट करना चाहते हो। तो यहाँ से मैं पिन कोड भी एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद नीचे सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, आप लोग इस पर क्लिक कर देना। उसके बाद थोड़ी देर लोडिंग लेगा, फिर आपके सामने ऐसा ऑप्शन आएगा, योर न्यू पेमेंट प्रोफाइल क्रिएट। नीचे व्यू प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना। तो अभी आप लोग देखोगे तो अभी हमारा लोकेशन चेंज नहीं हुआ है, अभी भी हमारा इंडिया ही दिखा रहा है। तो इसके लिए अब क्या करना है कि आपको जो आपका पहले का पेमेंट मेथड अकाउंट था, वो इसे डिलीट करना होगा, इसे आपको क्लोज करना होगा। तो इसके लिए आप लोग सबसे नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा पेमेंट प्रोफाइल स्टेटस का, आपको नीचे मिलेगा क्लोज पेमेंट प्रोफाइल, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद मुझे जीमेल आईडी का पासवर्ड एंटर करना पड़ रहा है, तो मैं पासवर्ड एंटर करता हूँ अपने जीमेल आईडी का। उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, फिर मेरे सामने ऐसा ऑप्शन आएगा। तो यहाँ से आप लोग नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद आपको एक रीजन यूज करना है कि आप लोग किस रीजन से अकाउंट को क्लोज कर रहे हो। तो यहाँ से मैं एक रीजन यूज कर लेता हूँ कि मैं किस रीजन से अपना अकाउंट क्लोज कर रहा हूँ। तो मैंने यूज कर लिया कि मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं है। तो आप लोग कोई सा भी यूज करके नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको नीचे मिलेगा क्लोज पेमेंट प्रोफाइल, इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपका थोड़ी देर लोडिंग लेगा, उसके बाद आपके सामने ऐसा ऑप्शन आएगा। तो अब आप लोग एक बार बैक कर देना, आप लोग फिर से अब उसी ऑप्शन पर आ जाओगे। लेकिन अब आप लोग देखोगे कंट्री नेम में आपने जो कंट्री का नाम यूज किया था, आपका कंट्री नेम चेंज हो गया है। पहले मेरा कंट्री नेम इंडिया था, अब मेरा कंट्री नेम चेंज होके सिंगापुर हो गया है। इतना करने के बाद अब आप लोगों का काम यहाँ से हो गया खत्म। तो यहाँ से अब आप लोग क्या करना है, यहाँ से बैक करके आ जाना अपने होम स्क्रीन पर। तो चलो देखते हैं क्या हमारा लोकेशन प्ले स्टोर में चेंज हुआ है या फिर नहीं। तो इसके लिए मैं प्ले स्टोर से चलता हूँ और अपना लोकेशन चेक कर लेता हूँ, एक मिनट वेट करना। तो अब आप लोग देख सकते हो कि मेरा लोकेशन चेंज हो गया है, जो कि पहले इंडिया था, अब चेंज होके मेरा सिंगापुर हो गया है। जब आप लोगों का ऐसे ही हो जाएगा तो अब आप लोग क्या करना, वैसे तो यार कोशिश करना कि आप लोग अपने फोन को 1-2 घंटे रख दो तो ज्यादा अच्छा है, उसके बाद आगे का प्रोसेस स्टार्ट करना। तो मैंने 2-3 घंटे फोन को रख दिया था ना, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी चलो देखते हैं कि हमारा फ्री फायर वापस आया नॉर्मल फ्री फायर या फिर नहीं आया है। तो इसके लिए मैं प्ले स्टोर पर सर्च करता हूँ फ्री फायर। तो सर्च करने के बाद आप लोग देख सकते हो कि अभी मेरा नॉर्मल फ्री फायर नहीं आया है। तो अब आपको क्या करना है मैं आपको बता दूं। इसके लिए आपको एक वीपीएन चाहिए। वीपीएन आप लोग कोई सा भी यूज कर सकते हो, बस थोड़ी देर के लिए, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट का काम है आपको वीपीएन। बस आपको वीपीएन कनेक्ट करके प्ले स्टोर में लॉग इन करना है, बस उसके बाद आप लोग अपने वीपीएन को अनइंस्टॉल भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपका नॉर्मल फ्री फायर डाउनलोड होगा। तो बस वीपीएन का काम बस 1 मिनट का है। तो आप लोग कोई सा भी वीपीएन डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से। तो मेरे फोन में पहले से ही एक वीपीएन है, तो मैं इसे यूज करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद प्ले स्टोर में आपका जो भी कंट्री नेम है, जो भी कंट्री आप लोग यूज किए थे, वीपीएन को भी उसी कंट्री से कनेक्ट करना है। तो मैंने सिंगापुर यूज किया था, तो मैं वीपीएन को सिंगापुर से ही कनेक्ट करता हूँ। तो जब आप लोगों का वीपीएन सिंगापुर से कनेक्ट हो जाएगा, या फिर जिस भी कंट्री का आप लोग प्ले स्टोर का लोकेशन यूज करते हो कनेक्ट हो जाएगा, उसके बाद अपना प्ले स्टोर ओपन करना। तो मैं अपना प्ले स्टोर ओपन करता हूँ। उसके बाद प्ले स्टोर में आके यहाँ पर सर्च कर लेना है फ्री फायर। तो मैं सर्च करता हूँ। सर्च करने के बाद आप लोग देख सकते हो कि मेरे प्ले स्टोर में नॉर्मल फ्री फायर आ गया है, मेरे प्ले स्टोर में ओल्ड फ्री फायर आ गया है। तो अब मैं इसे डाउनलोड करके आपको दिखाऊंगा और उसके बाद उसमें गेम भी खेल के आपको दिखाऊंगा। तो मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं डाउनलोड होने देता हूँ, थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो कि मेरा फ्री फायर डाउनलोड भी हो गया है और इंस्टॉल भी हो गया है। उसके बाद यहाँ से मैं बैक करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हो कि मेरे फ़ोन में दोनों फ्री फायर है, नॉर्मल फ्री फायर भी है, अपना पुराना फ्री फायर भी है, और फ्री फायर मैक्स भी है। तो यहाँ से मैं अपने ओल्ड फ्री फायर को ओपन करके उसमें गेम प्ले भी करके दिखाऊंगा। तो मैं अपना फ्री फायर ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद मैं आपको बता दूँ, मैंने पहले ही अपना आईडी लॉगिन कर रखा है, तो बस मुझे अपना गेम खेल के ही दिखाना है आपको। तो मैं आपको कोई एक गेम यहाँ से स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। तो मैं गेम में जाकर मर के भी आ सकता हूँ या फिर जीत के भी आ सकता हूँ। तो बस मैं जल्दी से आपको एक गेम प्ले करके दिखा देता हूँ।
तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि मैंने नॉर्मल फ्री फायर में एक गेम कंप्लीट भी कर लिया है और आपको दिखा भी दिया है कि एकदम नॉर्मल फ्री फायर एकदम ऑफिशियल तरीके से मैंने डाउनलोड किया है, कोई भी आईडी बैन नहीं होता। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया ठीक वैसे ही अगर आप लोग एक एक स्टेप को फॉलो करोगे तो आप लोग नॉर्मल फ्री फायर को, तो आप लोग अपने पुराने फ्री फायर को प्ले स्टोर से ही डाउनलोड कर सकते हो। बस आपको इतना याद रखना है कि जो मैंने स्टेप बताया आप लोग वैसे ही एक एक स्टेप को फॉलो करना। अगर आप लोग थोड़ी सी भी गलती करते हो ना मेरे भाई, तो आप लोग प्ले स्टोर से नॉर्मल फ्री फायर को डाउनलोड नहीं कर सकते। तो बस इतना याद रखना कि जैसे मैंने बताया वैसे ही आपको करना है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।